हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में बथुए का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। बथुआ हरे पत्ते वाली सब्जी है जो जाड़ों के मौसम में ही मिलती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने बथुआ लिया है, यहाँ पर 200 ग्राम बथुआ है। इस बथुआ को मैंने डंडियाँ काट दी हैं और पत्तों को बॉईल करके पीस लिया है। तो ये देखिए, बथुआ पीस लिया है इसको बॉईल करके। और अब हम दही ले लेते हैं। ये 300 ग्राम दही है। तो दही को सबसे पहले हम एक बाउल में कर लेते हैं। और इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाना है और इसको हम अच्छे से मथ लेते हैं। मथ के एक गाढ़ा पेस्ट सा बनाना है, पानी नहीं बनाना है, पानी नहीं डालना है। तो बथुआ में आयरन, विटामिन ए और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब हम ये बथुआ जो हमने पीसा था इसको इसमें मिला लेंगे। और इसको मथनी की सहायता से इसे भी हम दही में मथ लेंगे। और ये देखिए मथ लिया है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। इसे बथुए का रायता थोड़ा गाढ़ा ही खाया जाता है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक और एक चम्मच चीनी, एक टीस्पून चीनी डाला है, एक टीस्पून नमक डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फेंटे हुए दही में पिसा हुआ बथुआ, नमक और हरी मिर्च, चीनी और काला नमक भी आप लोग डाल सकते हैं। मैं यहाँ काला नमक नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ये रायता मसाला डाल रही हूँ। तो ये रायता मसाला भी डाल दिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। क्योंकि रायते मसाले में जीरा, काला नमक सभी होता है, तो हमने एक्स्ट्रा काला नमक इसमें नहीं डाला है। क्योंकि हमने सफेद नमक डाल दिया है तो इस वजह से बहुत ज्यादा नमक ना हो जाए। तो अब हम एक पैन में घी गरम करते हैं। एक पैन को गैस को ऑन करके उस पर मैंने थोड़ा सा चमचा रख दिया है और उससे हम इसमें तड़का मारेंगे। तो पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करते हैं। आप चाहें तो इसे घी में भी छौंक सकते हैं। मैं यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ। मुझे सरसों के तेल में छुपा हुआ रायता पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, लगभग एक टीस्पून। और ये थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच जीरा, एक पिंच हींग का डालेंगे और इसको ब्राउन होने तक, और एक टीस्पून मिर्च डाल के ब्राउन होने तक इसका बघार रायते में डालकर मिला देंगे। अब ये बथुआ का रायता तैयार है। तो आप खाने में रायते के लाजवाब स्वाद को अवश्य जोड़िए। आप इसे रोटी, चावल, नान, पराठा के साथ भी परोस सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।